टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। मलेशिया एक्सचेंज में तेजी के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन, पामोलियन, सीपीओ, मूंगफली सहित लगभग सभी तेल तिलहन की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। वहीं सूत्रों ने बताया कि शिकागो एक्सचेंज बंद रहा, जबकि मलेशिया एक्सचेंज में 2.7% की तेजी देखने को मिली। सूत्रों ने कहा कि आयातित तेलों के मुकाबले देसी तेल कहीं सस्ते हैं और आयातित तेलों के भाव ऊंचे होने के कारण देसी तेल तिलहनों की खपत बढ़ रही है। वहीं मांग और आपूर्ति का अंतर 60 से 40% का है और आयात के बगैर मांग की पूर्ति संभव नहीं है, इसलिए कीमतों में सुधार है। सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जब आयातित तेलों पर स्टॉक लिमिट नहीं है तो अकेले देसी तेलों पर स्टॉक लिमिट लागू करना कहां तक उचित होगा। वैसे भी किसान मंडियों में आवक कम ला रहे हैं, जिससे तेजी को और बल मिला है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार को अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP पर अधिक निगरानी रखनी होगी, क्योंकि सरसों का तेल सारे खर्च और लाभ जोड़कर 160 से 162 रुपए लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन बाजार में MRP का लाभ उठाकर खुदरा व्यापार में इसे 180 रुपए लीटर के भाव तक बेचा जा रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार मूंगफली तेल का भाव सूरजमुखी तेल से 25 से 30 रुपए किलो सस्ता है। इसी तरह सोयाबीन तेल में सरसों का तेल 15 रुपए लीटर नीचे है। पहली बार पामोलियन तेल से भी सरसों का तेल 10 से 12 रुपए लीटर नीचे बिक रहा है। बाकी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद रहे। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।